بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے رمضان کا مہینہ اتنی جلدی سے گزرا ہے کہ یقین ہی نہیں آ رہا پتہ ہی نہیں لگا اور اب وہ گھڑیاں آ گئی ہیں جب ہم الوداع کہہ رہے ہیں رمضان کو تو اپنی جھولیاں اٹھا لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جو کچھ بھی مانگنا ہے یہ وہ راتیں ہیں یہ وہ لمحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگو گے میں دوں گا اور وہ بار بار وہ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں تو اپنی جھولیاں اٹھا لیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں اور ہم اپنی آج کی سحری کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے بے شک ناظرین اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے اور پھر بعض دنوں کو بعض دنوں پر اور بعض راتوں کو بعض پر فوقیت دی
जैसे हम जुमतुल मुबारक को सैयदुल अय्याम कहते हैं, इसी तरह लैलतुल कदर को सैयदुल लैल कहा जाता है। हज़रत अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हदीस शरीफ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लैलतुल कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढें। लेकिन हमारे यहाँ मुहद्दिसीन और हमारे उलमाए किराम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब जो है वही लैलतुल कदर है। नाज़रीन, आज 26 रमज़ानुल मुबारक है और हम इस खुशगुमानी के साथ कि आज की ही रात ही लैलतुल कदर होगी, अपने आज के मेहमानों से बात करेंगे लैलतुल कदर की अहमियत और फजीलत। बिल्कुल, इमरान हज़ार महीनों से बेहतर रात है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इस रात से, जो इस रात से महरूम रहा, वो हर भलाई से महरूम रहा। तो इसी पे हम आज का जो ये शो है वो लैलतुल कदर को डेडिकेट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम बातें आप लोगों को बताएं वो बेहतर बता सकें, कैसे इबादत इसमें करनी चाहिए, क्या मामलात करने चाहिए, कैसे सदका और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा इस रात में भी करने चाहिए ताकि उसका जो सवाब है वो आपको कई गुना ज़्यादा होकर मिले। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की इस खसूसी ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आप लोगों का तारुफ़ कराती चलूँ। पहले जो हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनका भी आप लोगों से तारुफ कराती चलूँ, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी भी आमद का। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हलीमा, इस रात की बरकत हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेहमानों ने गरम से सवाल करने चाहिए बगैर किसी तवक्कुफ़ के। तो बढ़ते हैं डॉक्टर साहब आपसे, हमारा आज का पहला सवाल ये है कि जब हम लैलतुल कदर कहते हैं तो इससे क्या मुराद लेते हैं और ये रात क्या रमज़ान ही के साथ वाबस्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब, वेलकम सर। लैलतुल कदर ये सैयदुल लियाली, सारी रातों की सरदार, ये महीना सैयदुल शहूर, सारे महीनों का सरदार। तो जुम्मातुल विदा ये सैयदुल जुमात, जितने जुमे हैं उनका सरदार है। और ये सारी फजीलतें कुरान की वजह से, कुरान सरकार को मिला सैयदुल अंबिया, उम्मत मुहम्मदिया को मिला सैयदुल उम्मा। तो वो नुक्ता कमाल जो है, जो नज़ूल कुरान के साथ वाबस्ता है, वो रात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलति मुबारका, सूरह दुहान में, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। और सूरतुल कदर में फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलति कद्र, बेशक हमने इसको कदर वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम वो कदर वाली रात क्या है? लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, वो इज़्ज़त वाली कदर वाली रात हज़ार महीनों से बेहतर है, जिसमें फरिश्ते आते हैं, जबरील अमीन आता है, अल्लाह का हुक्म होता है। तो कदर का जो है उसके दो मानी अरबी के अंदर मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं इस रात के हवाले से। एक है अंदाज़ा, तकदीर, फैसले, क्योंकि फ़ीहा युफ़्रकु कुल्लु अम्रिल हकीम, अल्लाह फरमाते उस रात हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला कर दिया जाता है। और वहाँ भी यही जिक्र है, तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह का हर अम्र लेकर, हर हुक्म लेकर। तो गोया के तकदीर और फैसले और सारे मामलात, बाज़ मुफस्सिरीन ने यूँ तकबीह की है कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म जो पूरे साल का बजट बनता है, नाफिज़ुल अमल वो लैलतुल कद्र में होता है। दूसरा ये है कि अल्लाह करीम ने जब कुरान पाक को नाजिल फरमाया तो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर जब नाजिल किया गया तो वो लैलतुल कद्र थी। फिर वहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम के सीना अकदस पर बतदरीज जो है वो नाजिल होता रहा। तो कुरान पाक के नज़ूल की वजह से ये सारी बरकतें इस रात को मिली और वो हज़ार महीनों से बेहतर रात करार पाई। दूसरा जो है वो इसका पहलू है, कदर कहते हैं इज़्ज़त को, तौकीर को। तो फरमाया कि लैलतुल कद्री खैरुन मिन अल्फ शहर, ये रात जो है इसको इतनी फजीलत और इतनी अहमियत हासिल है कि एक रात की इबादत और रियाजत जो है वो हज़ार महीनों से ज़्यादा इबादत और रियाजत जितनी है। तो अल्लाह ने इस रात को, एक तो वो लम्हे को वो सआदत मिली कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या ये लैलतुल कद्र सिर्फ
जो है वो आपके साथ मखसूस है या ये आपके पर्दा कर जाने के बाद ये मौकूफ़ हो जाएगी? फरमाया नहीं, ये रात क़यामत तक जब भी लौट के आती रहेगी, तो जिस तरह पहली दफ़ा वो असनात व बरकात नाजल हुई, जबरील अमीन, मीकाईल, इज़राइल, इसराफ़ील, दीगर मलाइका ज़मीन पर उतरते हैं, फैल जाते हैं, अहले ईमान को मुबारकबाद देते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल करते हैं, उन दुआओं पर आमीन कहते हैं। बाज़ रवायात में है कि वो उनके साथ मुआनका भी करते हैं, तो वो सारी बरकतें क़यामत तक इसी तरह नाजिल होती रहेंगी। तो इस एतबार से ये एक रात जो है, जैसा आपने भी तवज्जो दिलाई के सरकार की जो हदीस है सईदा शसदीका उम्र मोमिनी रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि इसको माह स्याम के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करें, और अगर वो रात मिल जाए तो फिर ये भी फरमाया कि दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्ना कफ़ुवुन करीमुन फ़ाफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे। तो इस रात में वो मुकद्दस लम्हा सच्ची तौबा के साथ ये अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। लैलतुल कद्र के आदाब व शरायत क्या हैं, हमें रात किस तरह से गुजारनी चाहिए जिसमें कामिल बरकत हासिल की जा सकती हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? मतलब लोगों को ठीक तरह से ये पता ही नहीं है, या जिस तरह ये कहा जाता है कि आखिरी ताक रातों में, 10 दिन की ताक रातों में से गुजारे, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये लैलतुल कद्र है? या फिर हम हर किसी में थोड़े थोड़े अमल कर लें ताकि जो भी लैलतुल कद्र हो उस पर हमारा अमल जो है वो कबूल हो जाए, इसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब ने जो उसकी फ़लसफ़ी है उसकी अहमियत हमारे सामने रखी है कि शब कद्र की जो इसकी नस्बत है इसके नाम के अंदर, कि ये मुबारक बरकत वाली रात है, कदर वाली रात है, अजमत वाली रात है, और इसी के साथ इसमें हिकमत ये रखी गई, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खसाइस अता हुए उनमें एक खसूसियत ये भी है कि दुनिया के इंसानों में सिर्फ आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए ये ख़ास खसूसियत है, इससे पहले किसी उम्मत में ये रात अता नहीं की गई। बिल्कुल सुभानअल्लाह। और आपको मुतय्यन बयान कर दिया गया था, लेकिन जब आप बयान करना चाह रहे थे तो कुछ दरमियान में ऐसी बात हो गई जिससे ये आपके ज़हन से महम कर दिया गया, और हिकमत इसमें यही थी जो मैं ये समझा हूँ कि मुतय्यन बयान करके इसको भुला देना उम्मत के लिए सहूलत ये थी कि अब पूरे दुनिया के अंदर रातों दिन की जो तगैयर है, अब ताक रातों में जो भी ताक रात पा लेगा वो शब कदर को पा लेगा। ये हिकमत का पहलू था, और इसमें भी क्योंकि दीन और शरीयत इस्लामिया के अंदर युसर का पहलू है, और इस युसर के पहलू को रखते हुए मुमकिन है कोई आदमी सफ़र में हो, किसी और हालत में हो, तो इस 10 दिनों में जो भी जहाँ पाएगा तो इसकी कदर को पा लेगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रात को पाए तो अब करे क्या? आपने फरमाया कि मन काम लैलतुल कद्र गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस रात को पाए और क़याम करे, इस रात को क़याम, क़याम से मुराद यह है कि नफल ज़ाहिर के फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ेगा कि वो असर से शुरू हो जाएगा और फिर मगरब और इशा, फिर तरावी और क़याम लैल मुराद यह कि तहज्जुद की नमाज, फिर और सलामती है ये सुबह की फजर तक सुबह की नमाज, इसके दौरान जितना भी वो क़याम कर सकता है वो इबादत करें, नफली फ़र्ज के साथ नफली इबादतें करें, और फिर ये भी फरमाया कि इस इबादत के अंदर अल्लाह का जिक्र करें, यानी कुरान मजीद की तिलावत करें, और लोगों को दीन की दावत दे, नेक बात बताना, ये भी सदका और खैर का मामला, तब तस्बीह और तहलील करें, और ये भी काम करें कि मालदार आदमी है तो उसका सबसे बड़ा उसके लिए अजर यह है कि इन इबादत के साथ बढ़कर, एक गरीब आदमी है वो तो नफल नमाज ये तक कर सकेगा, अल्लाह ने उसे माल दिया है उस माल को गरीबों में खर्च करें, तो ये सारे वो नेक आमाल हैं, दुरूद शरीफ पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, नेक आमाल करना, तालीम देना, ये सारे नेक आमाल हैं। इस रात का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, और इस रात में जितना भी समेट सकता है नेकियाँ वो समेटे। अल्लाह ताला ने फरमाया है फरिश्तों की एक झुरमट के अंदर आप फरमा रहे हैं, है फरिश्तों देखो कि जो आदमी मजदूरी पूरी कर ले
उसे क्या देना चाहिए, उसे पूरा अजर देना चाहिए। तो देखो मेरे बंदों ने, मैंने उन पर लैलतुल कद्र कैसी रात अता फरमाई है, इन्होंने अपना सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी है। अब मुझ पर ये लाजम हो गया है कि मैं इनको बख्श दूँ और जन्नत में इन्हें दाखिल करूँ। सुभान अल्लाह। इसी तरह की जो बातें हैं इमरान, वो इंसान के दिल को इतना अल्लाह की तरफ ले जाती हैं। और बिल्कुल हमारी भी भरपूर कोशिश होती है कि हम इबादत करें और जो भी चीज़ें समेट सकते हैं रातों में उन्हें समेट लें, लेकिन हम मजबूर हैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें बातें पेश करने के लिए। तो आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है। अभी वक्त आ जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे की तरफ चलते हैं, जल्दी से वापस आएँगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ये आशकाने रसूल खुदा की महफिल है, मुझे यकीन है खुदा भी यहीं कहीं होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, मगर अभी वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए आज का नातिया कलाम सुनते हैं। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही ज़बाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही ज़बाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, बेखुद किए देते इतना तो करम करना, ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना, ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने ये है मेरा दीवाना, हंस कर जो कहा तुमने ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं। मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने ये है मेरा दीवाना, हंस कर जो कहा तुमने ये है मेरा
गया दीवाना, बेखुद ये देते हैं। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना, बेखुद किए देते हैं अहदा रख लूं ए जलवाए जानाना, बेखुद किए देते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जी हलीमा, रातें और सहरियां गुजरती जा रही हैं और हमें आपकी अच्छी बातों की आदत सी पड़ती जा बिल्कुल रही है। तो आज की सहरी में हमारे लिए कौन सी अच्छी बात लेकर आएं? जी इमरान, आज की सहरी की जो अच्छी बात है वो लैलतुल कद्र से ही रिलेटेड है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया, इसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों से तो इमरान लगता है कि अल्लाह ताला और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बहाने तलाश किए हैं कि उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को माफ़ कर दिया जाए। हमें थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है। हलीमा देखिए, अल्लाह बहाने ढूंढ रहा है हमें बख्शने की, हम पर रहम करने की, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत अंदाज में हमें इतनी अच्छी अच्छी तालीमात और इतनी अच्छी अच्छी रातें दे के गए कि हम थोड़ी सी इबादत करके अल्लाह ताला से बहुत कुछ ले सकते हैं। बेशक, बहुत। नाज़रीन, हम अभी यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं और अपने मेहमानान गिरामी से लैलतुल कद्र की फजीलत और अहमियत पर बात करते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आप लोगों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अभी वक्त हुआ जाता है हमारे खूबसूरत से कलाम का, चलते हैं कलाम की तरफ। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है, इल्हाम है, इल्हाम है, इल्हाम है, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरशे परी, मिंबर तेरा अरशे परी, या रहमतल आलमीन तू कुर
सा सा रे सा नि पा नि सा ग म ग म रे ग रे नि सा सा रे सा नि पा नि सा ग म ग म रे ग रे नि सा सा रे सा नि पा नि सा ग म ग म रे ग रे नि सा है फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है देखोगे हैरान हो जाओगे तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे सुल्फ तफसीर वल्लैन बन जाएगी सुल्फ तफसीर वल्लैन बन जाएगी चेहरा कुरान सारा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर तू खुदा मन खुदा मुस्तफा मुजदवा हातिबुल मुरसलिया रहमत लिल आलमी तू खुदा मन खुदा माशाल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताएं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और बुजुर्गाने दीन ये रात कैसे गुजारते थे और हमें उनकी तालीमात को आगे कैसे पहुंचाना चाहिए ताकि लोग भी उन्हीं पे अमल करें। देखिए ये जो रात जो है लैलतुल कद्र ये सारे साल की नुमाइंदा रात है बेशक। यानी अगर अल्लाह की रहमतों को इकट्ठा कर कर के एक नुक्ते पर रखे तो वह लैलतुल कद्र। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि जिसको लैलतुल कद्र मिली उसने सारी खैर अपने दामन में समेट ली। जो बेचारा इससे किसी वजह से महरूम रह गया वो तो हर खैर से महरूम रह गया। तो इस एतबार से इस रात को भला किस तरह अहलुल्ला जो है अल्लाह वाले वह उसको ज़ाया कर सकते हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम जो है सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप इस आखिरी अशरे में कमर बस्ता हो जाते बहुत ज़्यादा, इस कदर हरीस हो जाते कि एक एक लम्हा सदकात व खैरात भी करते तस्बीहात भी पढ़ते इबादात भी करते क़याम भी करते तलावत भी करते। तो आप ज़िंदगी में बाकायदगी से जब से रोज़े फ़र्ज़ हुए आप बाकायदा माह रमज़ान में इतकाफ़ फरमाते थे और जिस साल आप किसी मजबूरी से इतकाफ़ ना कर सके तो अगले साल आपने 10 दिन के बजाय 20 दिन का इतकाफ़ किया। इसीलिए इसको सुन्नत मुअक्कदा अल कफ़ाया कहते हैं कि मस्जिद और किसी महल्ले में से अगर कुछ लोग बैठ जाते हैं इतकाफ़ तो बाकियों की तरफ से भी ये यानी ड्यूटी अदा हो जाती है और अगर कोई भी ना बैठे तो सारे जो हैं वो खताकारों में आ जाएंगे गुनाहगारों में आ जाएंगे। तो इस एतबार से ये इतकाम का फलसफा ही लैलतुल कद्र के बरकतों के समेटने का एक बहाना है। तो आप फरमाती हैं सैयदा आयशा सिद्दीका बिनत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि जिस तरह सरकार इतकाफ़ फरमाती थे आपके पर्दा कर जाने के बाद उम्महातुल मोमिनीन आपके ज़वाज जो हैं वो भी बाकायदगी से इतकाफ़ करती और सहाबियात भी ये सआदत हासिल करती और सहाबा इकराम भी नबी अलैहिस्सलाम के अकेले ही बैठते थे वो भी आपके साथ ये बरकत हासिल करते। तो जितने अल्लाह वाले हैं जो हमने किताबों में सीरत में पढ़ा है वो ये सुन्नत इतकाफ़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वतबत्तल इलैही तबतीला अल्लाह की इस हुक्म की तामील भी है फ़िर्रू इलल्लाह पर भी अमल है दौड़ो अल्लाह की तरफ और फ़स्तबिकुल खैरात नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करो। लेकिन अगर कोई किसी शरी उज़र से नहीं बैठ पाता इतकाफ़ वो फिर इन रातों को ख़ास तौर पे आबाद करता है कोमो लैलाहा रात के क़्याम से कुरान पाक की तलावत से दुरूद शरीफ से ज़िक्र से कोई सलात व तस्बीह पढ़ता है कोई अल्लाह का कलमा तैयबा का विर्द करता है कोई आयत करीमा पढ़ता है कोई इस्तग़फ़ार पढ़ता है इसके साथ साथ जो है वो सदक़ात व खैरात का भी सिलसिला है। फिर ये भी बुज़ुर्गों का तरीका कि वो ख़त्मे कुरान की महफ़िल जो है वो अमूमन 27 रमज़ान को रख लेते हैं
ताकि वो ختم قرآن کی مجلس جو ہے اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی اور لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں پھر ایک اجتماع سا بن جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جہاں 40 مومن اکٹھے ہوں مسلمان اکٹھے ہوں تو ان میں ایک اللہ کا ولی ہے تو اس کی دعا مستجاب ہے تو اس کے صدقے سے باقیوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے تو وہ اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں بعض پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر رات شبینہ شروع کر دیتے ہیں تاک راتوں میں خاص طور پہ وہ ہر رات کے جو ہیں وہ سپارے پڑھتے ہیں تین پڑھ کے وہ اوراد و وظائف کا سوال ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب لے کے آتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس مخصوص رات میں ہمیں کون سی مخصوص عبادات اور اوراد و وظائف جو ہمیں اپنے اقابرین امت میں ملتے ہیں وہ کرنے چاہیے اس رات کے اندر جو فضیلت کی رات ہے فرض نمازوں کے علاوہ جو قرآن کی اور رمضان کی نسبت ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے جتنا بھی وقت ملے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کے بعد جو ہے وہ ذکر اذکار کرے اور پھر جو صلہ رحمی ہے اسے کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت ضروری ہے وہ دعائیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود سکھائی ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نسبت سے خاص دعائیں عطا فرمائی ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب ایک دعا پڑھ رہے تھے بڑی مختصر سی دعا ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سوال کیا تو یا رسول اللہ ہم کون سی دعا مانگیں آپ نے فرمایا کہ یہ دعا تم کثرت سے مانگا کرو پورے خاص اس خاص عشرے کے اندر جو آخری عشرہ ہے اور لیلۃ القدر پاؤ تو یہ دعا ضرور مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی فاعف عنا اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے پوری امت کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تعلیم و تربیت ہے یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ مسجد نبی میں یہ تھی آپ فرماتے تھے کہ جو میری مسجد میں آئے اور یہ پھر پوری امت کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ جو میری مسجد میں آئے وہ دو کام ضرور کرے عالماً اور متعلماً یا تو وہ دوسروں کو سکھائے یا خود سیکھے دیکھیں ہمارے ہاں دین کی تعلیم جو بھی آپ علم دوسروں تک پہنچائیں گے یہ آپ خود ذکر کریں گے اللہ کا ذکر ہے جب یہ بات آپ دوسروں کو بتا رہے ہوں گے تو کتنے چراغ جلیں گے تو یہ بہت خوبصورت رات ہے اس رات کے اندر تعلیم تربیت تزکیہ کتنا بھی کام ہو سکتا ہے پھر درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے اور امت پر فرض ہے کہ جس قدر آپ اور یہ ایسی دعا ہے مستجاب الدعوات سے ہے اللہ اس کے فرشتے سنت خدا اور تمام امت جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس رات میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اپنی بخشش کی دعا کریں اور پھر خیر کے کاموں میں کریں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اس رات سے محروم کون رہتا ہے اللہ اب یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں جو اس رات سے محروم رہتے ہیں استغفراللہ اسے بچنا چاہیے ایک عادی شراب نوش جو ہے پھر فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے استغفراللہ اور پھر فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا اس کے مقابلے میں صلہ رحمی ہے ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور پھر چوتھی چیز جو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ دوسروں سے کینہ اور بغض رکھنا یعنی وہ اس کا کینہ دوسروں سے بھرا ہوا ہے بغض سے بھرا ہوا ہے تو اس میں نیکی کیسے آئے گی اس میں خیر کیسے آئے گا یہ ساری برائیاں نکال کے جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اس رات میں جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا ناظرین ایک تو ہمیں ان چاروں باتوں سے باز رہنا چاہیے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا اور دوسرا اس رات میں جو سب سے مقبول عمل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے ہمیں رو رو کر عجز و انکساری کے ساتھ اس سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ سجدے میں روتے ہوئے سر کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے مگر وقت پہ ایک چھوٹے سے وقفے کا ملتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف ڈاکٹر صاحب ہم سب کا سب سے فیوریٹ سیگمنٹ
माशाल्लाह आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप हमें हर रोज़ बहुत अच्छी किसी गज़ा के बारे में बताते हैं। आज की सहरी में आप कौन सी गज़ा हमारे लिए लेंगे? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो खुश रहो। खाना पीना जो है ये ज़िंदगी की अलामत है। जब कोई खाना पीना तर्क कर देता है तो फिर समझते हैं इसका दाना पानी उठ गया। तो लिहाजा अल्लाह की दी हुई नेमतें जो हैं इनसे फ़ायदा उठाते रहें जब तक ये सांसों का निज़ाम चल रहा है। तो आज आपकी खिदमत में मैं अल्लाह करीम सूरह वाकिया के अंदर बेर का और बेरी के दरख्त का जिक्र किया। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैं मेराज की रात गया अल्लाह की बारगाह में जबरील अमीन के साथ, और सारा वो सफ़र और सारी आपकी मेराज की तफसीलात हैं, उस सिदरतुल मुंतहा जो है वहाँ पर मैंने एक बेरी का दरख्त देखा, बहुत बड़ा, और उसके बेर भी जो है वो छोटे छोटे नहीं, तरबूज की तरह बड़े बड़े थे और बहुत खूबसूरत और बड़ा जाज़ब नज़र जो है। तो फिर जो है गोया कि ये जन्नत के फल वाली कैफियत बन गई। तो बेर जो है जो उससे फल जो है हासिल होता है, फिर बेरी के पत्ते जो हैं उसका जो बरकतें हैं, सरकार फरमाते हैं कि आपने बहुत शुद्धगान को बेरी के पत्ते पानी में डाल के नीम गर्म पानी से गुसल दिया करो, उसमें भी एक तासीर है, एक बरकत है, वो सिदरतुल मुंतहा की नस्बत भी है उसके अंदर। तो इसके अलावा बेरी का जो दरख्त है वो लकड़ी के अतबार से और इसके अलावा फर्नीचर के अतबार से कई उसके दीगर फ़ायदे भी हैं। तो बेर जो है उस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा फल है, एक छोटे बेर होते हैं जिनको काठे बेर, एक सियू बेर बड़े जो होते हैं, तो वो बेरी की ही कैटेगरी में आएंगे। तो ये एक ऐसा फल है कि ये इसके अंदर आयरन भी है लेकिन कैलोरीज कम है, ये इंसान के वज़न को कम करता है, इसमें विटामिन ए और सी बकसरत पाया जाता है, हाजमे में ये मदद देता है और फाइबर इसमें ज़्यादा होता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं बनता, लेकिन जब ये मौसम इसका आता है, कुछ जंगली बेर होते हैं, कुछ शहरी पियोंद किए हुए बेर होते हैं, तो जिस भी नहज पे ये फल इंसान को जिस मौसम में आता है तो इससे ज़रूर इस्तेफादा करना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए भी ये मुफीद है और ये अल्सर को भी कंट्रोल करता है और मेदे के सिस्टम और निज़ाम निज़ाम को भी फाल करता है, और इसमें भी ताकत बहुत ज़्यादा, तवानाई भी बड़ी होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्ला, आपकी मालूमात से हम इस्तेफादा हासिल करते रहते हैं। डॉक्टर सजाद साहब आपकी तरफ आऊँगी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे आज की ट्रांसमिशन का कि लैलतुल कदर के हवाले से मुसलमानों का हमेशा से क्या अमल रहा है और इसमें मज़ीद किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? लैलतुल कदर के हवाले से जो उम्मत के अंदर मामूलात हमें नज़र आते हैं रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने से, एक तो ये आपकी सुन्नत है और आज तक मामूल रहा है कि लोग एतिकाफ का एहतमाम करते हैं। एतिकाफ़ के हवाले से दो चीज़ें सामने रखना चाहिए कि ख्वातीन के लिए वो घर में एहतमाम करें, और इसी तरह पूरे महल्ले के अंदर चंद लोग, अब तो मुश्किल होता है ज़ाहिर है कि कारोबारी ज़िंदगी इसी तरह का है, लेकिन उस महल्ले में से कुछ लोगों का बैठ जाना बहुत ज़रूरी है, एतिकाफ़ करें। और उसके बाद जो नेकी की जो भी सूरत है, जो हम नेकी जिसे हम तसव्वुर करते हैं, यानी अल्लाह के हुज़ूर रुकू करना, सुजूद करना, बेशक दुआएं करना, अपनी बख्शिश की दुआएं करना, ये सब है, खैरात करना, ये सब चीज़ें हम करें। और फिर उसी के साथ साथ इसका भी एहतमाम करना चाहिए कि ये जो रमज़ान का महीना है ये बख्शिश का महीना है, और इसके अंदर दूसरों के जो हुकूक हैं, यानी वो लोग जो मारूमुल मईशत हैं, गरीब हैं, नादार हैं, उन तक ये फितराने की रकम बहुत पहले अदा कर दी जाए ताकि वो उसका एहतमाम करें और कसरत के साथ अपनी बख्शिश की दुआ करें। ये सारे मामूलात जो हैं ये बहुत ही पसंदीदा हैं, और बख्शिश और मगफिरत जो है अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए। डॉक्टर साहब आपकी इसी बख्शिश से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आज 26 रमज़ान मुबारक है और अल्लाह करे कि आज ही की रात 27वीं की रात जो है वो लैलतुल कदर की रात हो। आमीन। आप अपने लिए, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और हमारे देखने वालों के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस रमज़ान के सदके और इस मुबारक रात के सदके हम पर अपना करम करे और हमारी बख्शिश फरमाए। बिल्कुल, इसी के साथ मैं आप लोगों से रुख्सत लेती चलती हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अब चलते हैं दुआ की तरफ और सब मेरे ख्याल से हाथ उठा लें।
दुआ की कबूलियत के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। वो हुजूर कल्ब के साथ नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। तो है अल्लाह करीम आपकी बारगाह में हम मुल्तमिस हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौला सल्ल वसलम दायमन आबादन अला हबीब का खैर खल्क कुल्लिमी हुआ हबीबुल्लाजी तुरजा शफातुहु लिकुल हौल मिनल हवाल मुक्ताहिमी मुहम्मदुन सैयदुल कवनैन वस्सकलैन वल फरीकैन मिन अरबी व मिन आजमी। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। या गफूर रहीम ए पालने वाले, या खैर नासिरीन या खैर राज़िकीन या अहकम अल-हाकिमीन या काजी अल-हाजात या काफ़ी अल-मुहिम्मात या मुसब्बिब अल-असबाब या मुफत्तिह अल-अबवाब या मुजीब अद-दावात या हल अल-मुश्किलात या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती कास्तागीस या अमान अल-खाइफीन या खैर नासिरीन या खैर राज़िकीन। ए मालका ए बंदा नवाजा, हम तेरी बारगाह में ये मुकद्दस रात ये मुकद्दस लम्हात जो बड़ी तेज़ी से हमसे जुदा हो रहे हैं, सोने मौला क्या पेश करे तुझको, क्या चीज़ हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। मौला हमारे लिए इतना ही बहुत बड़ा एजाज़ है कि तेरे बंदे हैं, तूने हमें अपना बंदा होने का शर्फ अता किया। मौला हम तो इस बंदा होने का भी हम हक नहीं अदा कर सके, हक अदा नहीं अदा कर सकते। सोने तूने हमें अपना बंदा बनाया और हमें बंदगी की तौफीक अता की, मौला हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मौला तूने जितनी नेमतें हमें अता फरमाई, हमें जिस्म अता किया, हमें अज़ा अता किए, हमें माँ बाप की नेमतें दी, हमें आल औलाद की नेमतें दी, सबसे बढ़ के मौला तूने हमें अपना बंदा होने का शर्फ़ दिया, हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया, अपने सोने नबी का उम्मती बनाया, हमें हामलीन कुरान बनाया। मौला तूने हमें पूरा कुरान मुकद्दस अता किया, माह रमज़ान अता किया। मौला तेरी इतनी नेमतें हैं कि तेरी नेमतों को हम गिन नहीं सकते। सोनिया हमारे पास लफ्ज़ नहीं कि हम शुक्रिया अदा कर सकें। मौला सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, सब तस्बीहात तेरे लिए हैं, सारी अजमतें तेरे लिए हैं। या रब्बल आलमीन तू अलीम बेज़ाती सदूर है, तू दिलों के हाल खूब जानता है। हमें पता है कि हमारे पल्ले स्वाए नदामत और शर्मिंदगी कुछ के कुछ नहीं है। मौला तेरी बारगाह में सवाली बन के आए हैं, गदागर बन के आए हैं, मांगत बन के आए हैं। ऐ मालका ऐ बंदा नवाजा ऐ पालन हारा ऐ गफूर रहीम मौला ऐ बंदा परवर मौला ऐ मुश्किल कुशा मौला ऐ हाजत रवा मौला ऐ दाखिल बला मौला, हम तेरे आजिज बंदे तेरी बारगाह मिन्नत करते हैं, बिनती करते हैं, इल्तजा करते हैं। मौला ये पूरा महीना हम कोई नेकी सही तरह नहीं कर सके, ना रोज़ों का हक अदा हो सका, ना शेर इफ्तारी का हक अदा हो सका, ना सदक़ा तो खैरात कर सके। जो थोड़े बहुत अमल हुए हैं मौला वो भी तोहमत ज़दा हैं, वो नाकस हैं, अधूरे हैं, फेंक देने के काबिल हैं। सोनिया अपने करम से हमें माफ़ फरमा दे, मौला हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा दे। या इलाहल आलमीन, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। हम सख्त परेशान हाल हैं, उम्मत मुसलमा उम्मत मुहम्मदिया परेशान हाल है, सब तेरी बारगाह में तेरे करम के तलबगार हैं। या इलाहल आलमीन, कोई दर नहीं तेरे दर के सिवा, कोई घर नहीं तेरे घर के सिवा। ऐ मालका है ऐ बंदा नवाजा ऐ पालन हारा, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, तो ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। सोनिया मैं जुबान से क्या क्या बयां करूं,
तेरे सामने मेरा हाल है। मौला तेरी एक निगाह की बात है, हमारी तो जिंदगी का सवाल है। सोने तूने कर्म ना किया तो क्या कहेगी दुनिया, ए तेरी गली के मंगते फिरते हमारे मारे। सोने तू मालिक है, तू खालिक है, हमने मर के भी तेरे पास आना है। सोने जिंदगी में जितने सांस लिए हमें इज्जत आबरू से गुजारने की तौफीक दे दे। मौला हमें ईमान की दौलत से भरपूर माला माल कर दे। मौला हमारी किस्मत में 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करने की तौफीक लिख दे। सोने मौला हमें हर अमरे खैर करने की तौफीक दे दे। मौला हमें नफ्स से बचा ले, हमें जालिम शैतान से बचा ले, हमें दुश्मनों शरीरों से बचा ले, हमें बदखाहों से बचा ले। सोने हमारे घरों से बीमारियाँ नहूसतें तंग दस्तियाँ परेशानियाँ दूर कर दे। मौला परेशान हाल है, दुखी है, कहाँ जाए किसको बिपता सुनाए, मौला कौन सुनेगा तेरे सिवा। तू मालिक है, तू पालनहार है, तू बंदा नवाज है। सोने तूने खुद कहा उद ऊनी असजिब लको, मांगो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तूने बार बार कहा उजीब उदावत दाइजादान फल यस्त जीबू ली वल यू मेनू भी। ओ मांगने वालों मांगो, क्यों नहीं मांग रहे, तुम मांगते जाओ, मैं देता जाऊंगा, मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, हर दुआ कबूल करूंगा। मौला इल्तजा करते हैं वो जवाब दुआ जो तेरे महबूब ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्ना काफून करीम तुहिबुल अफवा फाफू अन्ना या गफूरो या गफूर या गफूर। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لی ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول مولا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر مولا ہمارے ملک کو ترقی خوشحالی عطا فرمائیں اس کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں مولا عالم اسلام بے رحم و کرم فرمائے سرکار کی امت کی خطائے غلطی معاف فرمائے مولا یہ اور لائف ٹیلی ویژن یا رب العالمین یہ تیرے پیغام کو تیرے قرآن کے نور کو عام کرنے کے لیے یہ جتنے دختران تشریف رکھتی ہیں جتنے مرد و زن ہیں مولا جتنے ناظرین جہاں جہاں سن رہے ہیں مولا سب تیرے کرم کے خواستگار ہیں مولا اگر آج لیلۃ القدر کی برکتیں چھن گئی تو ہم لٹ جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے مولا ہمیں برباد ہونے سے بچا لے ہمیں لٹنے سے بچا لے مولا ہمیں اپنا بنا لے مولا ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے مولا ہمارے ساتھ پیار فرمائے مولا ہمارے ساتھ عدل کا نہیں کرم کا معاملہ کرے مولا ہم امتحانوں کے لائق نہیں مولا ہم فیل ہو جائیں گے مولا ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما عدل کرے تھے تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے سونے فضل کرے تھے بخشے جاور میں جے منہ کالے مولا جے میں ویکھا ملا ولے کچھ بھی میرے پلے تے جے ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے 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 مولا التجا کرتے ہیں جو دعائیں مانگ سکے مولا وہ بھی قبول فرما لے جو نہیں مانگ سکے مولا انہیں بھی قبول فرما ہماری پوری ٹیم کو یہ صبح عظیم یہ سحر عظیم مولا کریم اور دیگر اور لائف ٹیلی ویژن کے جتنی انتظامیہ مولا سب کیا بھلا فرما آمین سب کو خیر عطا فرما یا رب العالمین جو جو دل میں دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما کلمہ منظور سب بلا ہو دور جب دمے واپسی ہو یا اللہ لا پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ